आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, बंध लंबाई कहा जाता है। बंध लंबाई को हम एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसमें दो परमाणु हैं, एटम ए और एटम बी, ये एटम ए और ये एटम बी, दो एटम हैं। इस एटम ए का नाभिक और ये एटम बी का नाभिक, इन नाभिकों के मध्य की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इसकी आयनिक रेडियस बोलेंगे, इसको कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे आर ए, और इसको बोलेंगे आर बी। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? आर बराबर आर ए प्लस आर बी। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित किया जाता है। एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10^-8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कोवेलेंट, कोई मॉलिक्यूल है सहसंयोजी होगी उसमें। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसकी बॉन्ड लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन? बॉन्ड लेंथ इन आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? आर सी प्लस प्लस आर ए माइनस, ठीक है। आर सी क्या है? केटाइन की रेडियस। आर ए क्या है? एनाइन की रेडियस। इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब किसी कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस दे रखी है और उसके आधार पर हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज ऑफ कोवेलेंट रेडियाई फॉर सम एटम आर, कुछ एटम है जिनकी कोवेलेंट रेडियाई की दे रखी है। जैसे आर एच की रेडियाई होती है आपकी 0.30 एंगस्ट्रॉम, आर सी एल की होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम, आर सी कार्बन सिंगल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियाई होती है आपकी 0.77 एंगस्ट्रॉम, आर सी डबल बॉन्ड की होती है 0.67 एंगस्ट्रॉम, आर सी ट्रिपल बॉन्ड की होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसके आधार पर बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है हम देखते हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ किसकी कैलकुलेट करनी है? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड की कार्बन की रेडियाई कितनी है? 0.77 प्लस 0.77 एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। दूसरा एग्जांपल, कार्बन सीएल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी है? 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस कार्बन प्लस सीएल की कितनी है? आरसीएल क्लोरीन बॉन्ड की रेडियाई कितनी है? 0.99 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.76 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम दो परमाणु की
रेडियाई अगर त्रिज्या हमको दे रखी है तो उसके आधार पर किसी भी बंद की बंद लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।